Welcome to Imbibe Achieve Defense Exam YouTube channel. I'm Rohit Thakur. Everyone, I welcome you all to this very, very important session. This is 10-minute show on defense knowledge. अब आज का जो session है warriors, हम 10 मिनट में देखेंगे top 10 nuclear powerful countries 2024 में कौन-कौन सी है. जितने लोग भाई पहली बार चैनल पे आए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर भी करिए अपने डिफेंस एस्पिरेंट दोस्तों के साथ ताकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें. चलिए भाई सबके सब आ जाइए. अब देखिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट जो है आज का सेशन है. सेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए जो है हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन दैट इज CDS2 और CAPF का बैच इन्फॉर्मेशन आपके सामने है. जो एस्पिरेंट NDA की तैयारी कर रहे हैं आप लोग NDA का बैच ज्वाइन कर सकते हैं, 18 जून से स्टार्ट हो चुका है. उसके अलावा वॉरियर्स अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है Imbibe Simple को तो Imbibe Simple को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं. वन सब्सक्रिप्शन से जो है आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है हर एग्जाम को तैयारी करने का और हमारी पूरी एप्लीकेशन का भी एक्सेस आप लोगों के पास आ जाता है. उसके अलावा दीज आर दी प्लान्स जो आप लोग ले सकते हैं. वैल्यू फॉर मनी जो है सबसे बेस्ट है. वन ईयर प्लान जब आप लेते हो तब आपका जो है बेसिकली बेसिक से जो है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और आप नेक्स्ट ईयर या फिर अगर फाइनल ईयर में हो तो आप जब अपीयर होते हो अपने डिफेंस एग्जाम में, जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, आपका जो है प्रिपरेशन अप टू द मार्क रहता है. और अगर आप हमारी अलग अलग चीजें ट्राई करते हैं, आपने अगर MBMs जो है इकट्ठे करे हुए हैं तो आप उनसे भी एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी पा सकते हैं. और बीट द समर हीट समर 25 अगर आप यूज करेंगे कोड तो आपको वन ईयर प्लान में 25% का जो है डिस्काउंट मिलेगा. और ये आपको ध्यान रखना है सिर्फ 1 जुलाई तक जो है ये वैलिड है. तो जल्दी से जल्दी जो है अपने एग्जाम का कोर्स आप लोग सेलेक्ट करिए और इस कोड को जो है यूज कीजिए. चलिए वापस आते हैं आज के टॉपिक के ऊपर. वॉरियर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. पहली कंट्री देखेंगे जिसके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल जो है मौजूद है. पहले नंबर पे आती है रशिया. रशिया भाई देखिए भाई विद 5889 वॉरहेड्स रशिया इज बिगेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल इन द वर्ल्ड. सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स की बात करी जाए तो सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है रशिया के पास. इट मेंटेन स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड लैंड बेस्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी है इनके पास. वो तो बेसिकली भारत के पास भी है लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का मतलब ये होता है एक कॉन्टिनेंट से लेकर दूसरे कॉन्टिनेंट तक उसमें रेंज होती है अबव 5000 to 8000 किलोमीटर्स तक जो है वो फायर कर सकती है. तो पहले नंबर पे आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल है रशिया के पास. सेकंड नंबर पे आते हैं वॉरियर्स. सेकंड नंबर पे है यूएसए. यूएसए के पास है 5244 वॉरहेड्स. ये आपको ध्यान में रखना है इसीलिए सेकंड लार्जेस्ट न्यूक्लियर आर्सेनल है वर्ल्ड में. दीज वेपन्स आर स्टोर्ड इन मिसाइल साइलोस अक्रॉस 5 ग्रेट प्लेन स्टेट ईच विद 80 फीट लॉन्ग. तो इन्होंने यहां पर इनको बेसिकली रखा हुआ है. थर्ड कंट्री की तरफ अगर हम बढ़ते हैं वॉरियर्स, थर्ड कंट्री आती है चाइना. चाइना जो है तीसरे नंबर पर आपको ध्यान रखना है सबसे ज्यादा न्यूक्लियर पावरफुल इनके पास वेपन्स है. इनकी अगर बात करी जाए वॉरहेड्स की तो एज कंपेयर टू रशिया एंड यूएसए इनके पास जो वॉरहेड है वो है 410. China has comparatively small but growing nuclear arsenal, focuses on defense sufficiency and maintains a minimum deterrence approach. The development of possible strategic bombers, SLBMs on submarines and land-based intercontinental ballistic missile comprise the strategic triad. तो इनके पास बाकी weapons भी बहुत ज़्यादा है. Nuclear arsenal की बात करी जाए तो 410 nuclear arsenals जो है वो China के पास है. चौथे नंबर पे बढ़ेंगे वॉरियर्स. फिर आता है फ्रांस के पास सबसे ज्यादा
न्यूक्लियर आर्सेनल है चाइना के बाद। न्यूक्लियर आर्सेनल वॉरहेड्स की बात करी जाए तो 290 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है फ्रांस के पास मौजूद है। इनके पास आपको ध्यान रखना है, फ्रांस कीप्स अ स्टैंड लोन न्यूक्लियर वेपन, हैज स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स, लैंड बेस्ड मिसाइल एंड SLBMs ऑन सबमरीन। उसके साथ साथ आपको ध्यान रखना है, दे मेक इन्वेस्टमेंट टू अपडेट इट्स न्यूक्लियर वेपन, तो रेगुलर बेसिस पे ये इन्वेस्टमेंट्स करते रहते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर पे बढ़ेंगे वॉरियर्स, पांचवें नंबर पे आता है यूनाइटेड किंगडम। अब देखिए भाई, यूनाइटेड किंगडम के पास भी 225 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि पांचवें टॉप फाइव में इंडिया का नाम अभी तक नहीं आया है। ठीक है, रिसेंटली एक न्यूज भी मैंने आपको डेली करंट अफेयर्स में पढ़ाई थी कि इंडिया के जो है न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है न्यूक्लियर वेपन्स पाकिस्तान से ज्यादा हो गए हैं, तो उसकी रैंकिंग इंप्रूव हो गई है। पांचवें नंबर पर आपको ध्यान रखना है यूके है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है आता है हमारा भारत छठे नंबर पर, 172 वॉरहेड्स जो है 164 जो है इंडिया के पास हुआ करते थे, वो इंक्रीज करके जो है 172 वॉरहेड्स जो है अब हो चुके हैं। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, फिर आता है हमारे सामने सेवेंथ लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर कंट्री, दैट इज पाकिस्तान। पाकिस्तान के पास भी 170 न्यूक्लियर वॉरहेड्स है और इसकी रैंकिंग की बात करी जाए तो सातवें नंबर पे जो है पाकिस्तान आता है। आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, फिर आता है एट्थ नंबर पे, आपको ध्यान रखना है इसराइल। इसराइल जो है एट्थ नंबर पे है, इस बेसिकली अगेन इनके पास अप्रोक्सीमेट 90 वॉरहेड्स है, न्यूक्लियर वॉरहेड्स है। इसराइल हैज अ न्यूक्लियर एम्बिग्युटी स्ट्रेटजी, नीदर कंफर्मिंग नॉर डिनाइंग द एग्जिस्टेंस ऑफ इट्स न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम। तो इसराइल भी जो है बेसिकली अभी तक इन्होंने रेटिफाई नहीं किया है NPT, दैट इज नॉन प्लॉरिफिकेशन ट्रीटी। इसराइल न्यूक्लियर वेपन्स आर फ्रीक्वेंटली एनालाइज्ड अबाउट द डायनेमिक्स ऑफ रीजनल सिक्योरिटी इन द मिडल ईस्ट। तो एक तरीके से बहुत ज्यादा एक पावरफुल कंट्री जो है मिडल ईस्ट में इसराइल एक बन जाती है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, देन कम्स दी नाइन्थ नंबर है नॉर्थ कोरिया के पास। नॉर्थ कोरिया के पास भी जो है आपको ध्यान रखना है काफी ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। उन्होंने अभी तक एक्नॉलेज नहीं किया है कि उनके पास कितने न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है, क्योंकि सबको मालूम है नॉर्थ कोरिया के क्या हालात है, डिक्टेटरशिप वहां रहती है, कई चीजें डिस्क्लोज नहीं करी जाती है। तो नॉर्थ कोरिया इज ओपनली एक्नॉलेज दैट इट पोजेस न्यूक्लियर वेपन्स, बट कितने हैं ये उन्होंने अभी तक एक तरीके से बताया नहीं है। तो उसके बाद आगे बढ़ेंगे वॉरियर्स, दैट इज 10th नंबर पे आता है टर्की। टर्की भी जो है, टर्की फॉर्मली डज नॉट रिकॉग्नाइज हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स, टर्की टेक्स पार्ट इन न्यूक्लियर शेयरिंग अग्रीमेंट्स ऑफ अलायंस एज अ मेंबर स्टिल, बट उनके पास जो है न्यूक्लियर वेपन्स मौजूद है। पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द प्रेसिस क्वांटिटी एंड पर्पस ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स इन टर्की। अभी तक इन्होंने भी डेटा एक तरीके से नहीं दिया है, बट टर्की डू पोजेस द न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल। आपको इस चीज को ध्यान में रखना है, क्लियर है। टर्की ने बेसिकली क्या है एनपीटी को जो है साइन किया हुआ है, जिसके तहत जो है न्यूक्लियर वेपन्स को नहीं बना सकते, बट उनके पास मौजूद जरूर है। तो इस चीज को जो है आपको ध्यान में रखना है वॉरियर्स। ये थे टॉप 10 कंट्रीज जिनके पास सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद है। इनका यूज बेसिकली सबको पता है, वॉर लाइक सिचुएशंस में होता है, बट इट इज इंपॉर्टेंट कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को यूज नहीं किया जाए फॉर कंट्री सेफ्टी एंड फॉर आवर प्लैनेट सेफ्टी एज वेल। इसीलिए नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये थी भाई आज का आपका इंपॉर्टेंट सेशन। एक बार लाइक और शेयर जरूर करिए। एमबाइब की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा एप्लीकेशन का प्लस लेंस ऐप का। एमबीएम्स को आप कॉइन्स को यूज कर सकते हैं लास्ट में डिस्काउंट पाने के लिए एमबाइब सब्सक्रिप्शन के लिए। उसके अलावा वॉरियर्स, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और व्हाट्सएप पे आपने डाउट्स नहीं पूछे हैं, तो आप दोनों चीजें कर सकते हैं। टेलीग्राम अचीव डिफेंस एग्जाम है, एमबाइब अचीव डिफेंस एग्जाम, और सिमिलरली आप व्हाट्सएप पे भी जो DR बॉट है, डाउट रेजोल्यूशन बॉट, वहां पे अपना डाउट पोस्ट कर सकते हैं और आपको सबसे पहले जो है जिस भी रिलेटेड डाउट आप पूछोगे उसका आपको आंसर मिल जाएगा। इस क्लास में फिलहाल इतना ही वॉरियर्स, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन। कीप इम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू।